अयोध्या में भाजपा। ये पलटी क्यों है, एक जगह सपा एक जगह भाजपा? यहाँ वोटर हम लोग हैं अयोध्या विधानसभा के। हाँ, तो यहाँ प्रचार करने जाते हैं ठाकुर के नाते। हमारा जो मानना है वहाँ पे हम राजपूत हैं, तो हम राजपूत का भाई अभय सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो राजपूत, बस ये जानते। अगर विकास सिंह लड़ते, अगर राजपूत होते तो उनका सपोर्ट करते। मुन्ना बजरंगी जो है, मुन्ना बजरंगी ठाकुर थे कि नहीं थे? ठाकुर थे। मरवाए गए कि नहीं मरवाए गए? मरवाए गए। किसने मरवाया? एसटीएफ गोली मारी कि नहीं मारी? एसटीएफ नहीं, सरकार नहीं दे रही भर्ती। भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और दललन टॉप की चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे अयोध्या। अयोध्या शहर नहीं, अयोध्या के गांव में। यहां क्रिकेट मैच टूर्नामेंट चल रहा था और हमारी सवारी यहां रुक गई, और यहां बहुत सारे खिलाड़ी हैं और एक और खिलाड़ी हैं, देखिए हमारे साथ कौन है, और बहुत सारे लोग हैं सर यहां। ये जिला पंचायत अध्यक्ष फैजाबाद अयोध्या रोली सिंह हैं, भाजपा के नेता, उनका गाँव है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो कई लोगों ने, सबसे पहले उत्साह में एक लड़का भाग के गया, और टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा हैवी कर्रा वाला है ना, पिच बहुत तगड़ी है। और एक हर्षा बोगले कौन बना था? हर्षित। अच्छा, उनका नाम भी हर्षित है, कहाँ है? हाँ इधर आओ, इधर। नहीं, कमेंट्री कौन कर रहे थे? सानू। अरे इधर आओ यार, तुम ही तो कर रहे थे कमेंट्री। तो कमेंट्री कर रहे थे, फौरन भाग के एक भैया गए और वो जो भाजपा का प्रचार गीत है जो राम को लाए हैं तुरंत बजवाया। फिर गाड़ी देख के सपा वाले भी आ गए। तो देखो तुम सब लोग हो नौजवान लोग, है खून सबका होता है गरम, और हम तो जा रहे हैं गुसाईगंज सीट पे। हमने सुना है वहाँ बड़ा दो गरम मिजाज के लड़ रहे हैं, भाजपा से खब्बू तिवारी की पत्नी है आरती तिवारी जी, और सपा से धनंजय सिंह, अभय सिंह। धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेलना है वहाँ। क्रिकेट देख के याद आ गया है धनंजय सिंह, जौनपुर मलहनी। हाँ मलहनी से। तुम लोग यार बड़ा जानकारी रखते हो गुरु, क्या नाम है? और ये देखो ये भैया लोग हमारे लिए तुरंत, इतने भले लोग हैं, आप अवध में आए तो तुरंत जय श्री राम का गमछा भी ले आए। अच्छा कोई ये तो नहीं कह देता है ऐसे चिकाईबाज आदमी की इसमें जेडीयू का चुनाव निशान का है बना है? ऐसा कुछ भी है। नहीं कहता है। अभी होता क्या है, जब आचार संहिता लगती है ना तो हाथी कमल साइकिल सब ढक दिए जाते हैं सरकारी, है ना। तो क्या नाम है गुरु आपका? शिवांग सिंह। शिवांग जी सर, क्या करते हो तुम? टूर्नामेंट के आयोजक हो? नहीं नहीं, मैं आयोजक नहीं हूँ। हाँ अरे इधर तुम्हारी टीम है। तुम्हारी टीम है जी। गुम्मा उम्मा चलता है टूर्नामेंट में? नहीं सर, नहीं चलता। हाँ तुम्हारे गांव की दबंगई ऐसी कि कौन गुम्मा चलाएगा? जी बात सही, सही बात, सही बात है ना? सही बात है। क्या नाम है तुम्हारा? निर्भय सिंह। जब तुम जाते हो, हाँ निर्भय, निर्भय। हाँ तो जब तुम जाते हो सलून पे तो क्या बोलते हो, कौन सा कट कटवाते हो? सिंपल अपने तरीके से। कहाँ चले भाई? अरे टॉस लग जाएगा यार, हम इतनी दूर से आए हैं, अब हमने तुम्हारे राइट्स नहीं खरीदे। तो क्या लग रहा है माहौल, तुम लोग तो भाजपा के हो, क्या समीकरण है? कौन सी विधानसभा? अयोध्या। अयोध्या सर, वेद प्रकाश गुप्ता। अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ भाजपा वाले हैं बताओ जरा हाथ ऊपर करके। सब भाजपा ही है सर। सब नहीं है, ये सपा वाले बैठे हुए हैं। अरे ये तुम बाहें का चढ़ा रहे हो सपा वाले को। सपा सपा, ये भी सपा है। सपा, क्या नाम है? अनूप सिंह। पवन पाड़े के सपोर्टर हो? नहीं, अभय सिंह। अभय सिंह, अच्छा तुम गुसाईगंज की तरफ से है। तो ये गांव का नाम है सराय सराय राशि, ये लगता है अयोध्या विधानसभा में। अरे तो क्या यार, क्या मतलब फौजदारी कर दोगे? अरे नहीं, ऐसे देखी था नहीं, कहाँ खोए अपने गांव को बने कर। अरे तो क्या तुम्हारे गांव के नहीं आ सकते? हमारे गांव नहीं है ये। तुम कौन से सपोर्टर? हम बीजेपी के हैं दोनों। अरे तो दोनों मतलब बीजेपी हमेशा। अरे तो दोनों नहीं है? दोनों सपोर्टर है सर। हम लोग विधानसभा में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। तो गुसाईगंज में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभय सिंह। अभय सिंह सपा के। अरे सुन लें, और अयोध्या में किसको कर रहे हैं? अयोध्या में भाजपा। ये पलटी क्यों है, एक जगह सपा एक जगह भाजपा? यहाँ वोटर हम लोग हैं अयोध्या विधानसभा के। हाँ, तो यहाँ तो प्रचार करने जाते हैं ठाकुर के नाते। आपको जातिवादी दिख रहा है, हमको ईमानदार दिख रहा है। हाँ बताओ जरा, हमको थ्योरी समझाओ। और भैया जरा ये कुर्सी दोगे गुरु? इनको दूसरी कुर्सी दो, सपा नेता को दूसरी कुर्सी दो। तुम अपना नाम बताओ। अनूप सिंह। अनूप, क्या करते हो? हम यही कॉलेज है हमारा। अरे सुनो, देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, वायरल होने वाली है। हमेशा महत्वपूर्ण ही करते हैं। हमको जरा दोनों विधानसभाओं के गुरु, तुम हमको चौराहे के चाण के लग रहे हो, समीकरण समझा दो जरा। पहले अयोध्या जी का बताओ। अयोध्या में भाजपा। क्या कैंडिडेट कौन है? वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता। 12 में बसपा से लड़े थे, 17 में भाजपा से लड़े। 17 में जीत गए।
50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से जी। और पवन पांडे हार गए थे जी। तो समीकरण क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि शहर में तो सब लोग कह रहे हैं वेद प्रकाश गुप्ता दिखे ही नहीं 5 साल। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बताओ, समझाओ समीकरण। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वेद प्रकाश गुप्ता हमेशा दिखते थे। वो नहीं दिखते थे तो उनके लड़के दिखते थे, अमल गुप्ता। अच्छा, लड़के के लिए सुना इस बार टिकट मांग रहे थे? नहीं, लड़के के लिए नहीं मांगे थे, क्योंकि लल्लू सिंह सांसद भी लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे। हाँ, और वेद प्रकाश गुप्ता भी लड़के के लिए? नहीं, लड़के के लिए वो नहीं मांग रहे थे, अपने लिए मांग रहे थे। लल्लू सिंह कैसे नेता है? लल्लू सिंह ठीक है। अब वहाँ बिरादरी फंस गई, भाजपा है ना? नहीं, भाजपा देखते हो कि बिरादरी देखते? नहीं, बिरादरी नहीं, भाजपा योगी जी देख रहे हैं। तो फिर यहाँ तो गुसाईगंज में देखिए, वहाँ व्यक्तिगत हम लोगों का पटीदारी का मामला है। बताइए, समझाइए जरा। वहाँ हम लोगों का पटीदारी का मामला है। अच्छा। हमारे बगल ही राजेपुर गाँव है, जहाँ के अभय सिंह रहने वाले हमारे पटीदार है, हमारे सब कुछ है। तो हम लोग पहले पटीदार देखते हैं, फिर इसके बाद। तो ये बताओ, जैसे तुम कह रहे हो तुम भाजपा सपोर्टर हो जी, तुम्हें चाहिए योगी जी जी, और बटन दबवा रहे हो साइकिल पे, तो कहाँ साइकिल गोसाईगंज दबवा रहे हैं ना, ना कि गोसाईगंज भी तो यूपी का ही एक सीट है। नहीं तो वहाँ से भी हार जाएगी जो है। वहाँ से भी, वहाँ से भी साफ है, पांचों में साफ है, पांचों में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। यही ये तो पट्टीदारी तो कट्टा उट्टा चलवा रहा था। कट्टा चला जी जी। क्या कट्टा बताओ जरा? बहुत खतरनाक एरिया है ये जो है, पूर्वांचल का सराय राशि बहुत फेमस। ये पूर्वांचल नहीं, अवध है। हाँ, पूर्वांचल पूरा बोला जाता है ये सब। इसलिए कहते हैं पढ़ो, पढ़ते नहीं है, स्कूल कूदते थे पहले ये लोग। गुंडे ही नहीं, गुंडे ही बनाना चाहते माहौल। माहौल गुंडे बस की लड़की जी। अरे कोई जिंदाबाद। हाँ, तुम उनके राइट हैंड हो जी। वो जेल में क्यों है? अरे वो कतन कोनो मामला था, फंस गए जो है बेचारे। अभय सिंह फंसवाए ना? अभय सिंह। हाँ, फर्जी मामला फंसवा दिए जो है। हाँ, वो मार्कशीट का फर्जी मामला था, उसे फंसवा दिए। किन कोई दिक्कत नहीं है, फिर छूट जाएंगे जो है। जहाँ चुनाव खत्म हुआ तहाँ फिर वापस आएंगे और विधायक बनेंगे जो है, चिंता कोई बात नहीं है। हाँ, और फिर कट्टा चलेगा? कट्टा कट्टा कहाँ चलेगा? तब खब्बू तिवारी का नाम चलेगा, कट्टा कहाँ चलेगा? एक सेकंड बताओ, ये बताओ, जैसे 5 साल तो भाजपा की सरकार रही, खब्बू तिवारी अपना दल के टिकट पे जीते थे जी जी, वो तो भाजपा में ही थे, तो फिर फंसवा कैसे थी? फंसवा दिए, वो पुरानी दुश्मनी रही होगी जो है। हाँ, तुमने इनसे पूछा नहीं कि तुम्हारे नेता ने हमारे नेता क्यों फंसवा दिया? अबे तो यही जाने, गांव खैर सपोर्ट कर रहे हैं, करने दीजिए इनको, बस एक वोट से कुछ होगा? और तो यही देना इनको, बीजेपी दे रहे हैं। इनका सपा बहुत बैठता है वहाँ पे, गोसाईगंज में इनके कहने से कोई वोट देगा? अच्छा, आप क्या बोल रहे? हाँ, क्या बोल रहे थे? ये क्या नाम है? डॉक्टर बहन प्रताप गौतम नाम है हमारा। डॉक्टर है आप? जी जी। क्या बात है, किस चीज के डॉक्टर? सर, एग्रीकल्चर। यार इतना लौंडा उत्साही है, एकदम करेजा जुड़ा गया। हाँ, एग्रीकल्चर गया सर, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी? नहीं नहीं, इनको इनको समझाओ एंटोमोलॉजी माने सर। पर्चा जब भरोगे तब भरोगे। क्या पढ़ाई की हो? आपकी बीए है, फर्स्ट ईयर। आर्मी में जाओगे फिर विधायक ही कैसे लड़ोगे? अरे जब 5 साल उम्र बीत जाएगी, वैसे नहीं दे रही सरकार जो है। सरकार नहीं दे रही भर्ती? भर्ती नहीं दे रही जो है, वोटवा देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। बाबा के लिए अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि तो आप लोग जैसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, तो कहते नहीं सब नेता लोगों से कुछ भर्ती भी निकलवाइए महाराज? अब की आ रही है ना 1,00,000 भर्ती फौज में, मई में। मई में कौन बताया ये? अरे बात हुई हमारी जो है राजनाथ सिंह से। एक से यार, तुम लोग ले रहे हो उसको हल्के में, वो सीधे बात किया है रक्षा मंत्री से। ये तुम्हारा प्रवक्ता लगा, ये पीछे कान में कुछ दे रहा है गुड़की? हमारे पीए है। पीए है? आओ पीए, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विधायक जी और विधायक जी के पीए, विधायक जी फौज की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी भर्ती नहीं आई है। पीए साहब, आप क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट 100 मीटर रनिंग। तुम बढ़िया आदमी हो यार, ये धावक है, तेज भजा तो जी। कितनी टाइमिंग है? 11 सेकंड। तो यार इतना बढ़िया धावक है, पीए का है लगा लिए?
साथी बहुत पुराने साथी हमारे जो है, कहीं अपने साथ रख लो तो रख लिए जो है। तो तुम राजनाथ सिंह को फोन किए? नहीं, राजनाथ सिंह को फोन नहीं किए, जो है मैसेज उनका आया था। राजनाथ सिंह का जी कहाँ आया था मैसेज? मैसेज आया था जो है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया मैसेज आया था उनका जो है कि इस बार मई में भर्ती निकाली जाएंगी आर्मी की, 1,00,000 वैकेंसी खाली है जी। अच्छा, यहाँ स्थानीय समीकरण क्या है? यहाँ सुन रहे हैं गुसाईगंज में बड़ा खब्बू तिवारी की पत्नी वर्सेस अभय सिंह, क्या है मामला? वो तो जाहिर सी बात, खब्बू तिवारी जिंदाबाद है। हाँ नहीं, हाँ। नहीं, समीकरण तो समझाओ थोड़ा। समीकरण यही है कि जो है 30% ठाकुर भाजपा में है और 70% जो है सपा में है, वहाँ पे गुसाईगंज में। तो ये 70% में पंडित जो है वो 70% में है। हाँ। और पंडित 100% वहाँ पे हैं। हाँ। गुप्ता भी 100% वहाँ पे हैं, वर्मा भी हैं जो है। तो वर्मा तो एक बसपा से भी लड़ रहे हैं ना, राम सागर। अरे वो सब घूम घुमा के बीजेपी देंगे, घूम घुमा के बीजेपी देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर अमर बहादुर वर्मा। भैया थोड़ा जूता नीचे कर लेंगे, एक तो यहाँ सब विधायक जी। क्या नाम भैया? पंकज शर्मा। हाँ पंकज, क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो घर पे बताते हो, करते क्या? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी। बायोलॉजी कर रहे हैं जी। मीठा खरगोश चूहा सब काट लेते हो? अरे तुम बाकी पीछे का भाग रहे हो भाई, इधर आओ। समय आने पे क्या काटेगा? समय आने पे मगरमच्छ। मगरमच्छ अब हल्के खिलाड़ी थोड़ी ना लग रहे हैं। ये कॉलेजों मगरमच्छ काटे? बिल्कुल। क्या नाम है तुम? उनसे तगड़ी तो तुम लग रहे हो। मेजर वर्मा। मेजर? कौन सा मेजर? बात सीधा होने वाले हैं। सीधा मेजर? हाँ सीधा मेजर, डायरेक्ट एनडीए से। एनडीए से? एनडीए से क्या बनते हैं? सीधा कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। तुम्हारा नाम क्या है? मेजर वर्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम मेजर है जी। क्या क्या पढ़ाई करते हो? यही आर्मी की तैयारी करते हैं सर। आर्मी की? क्या पढ़ाई की हो? बीए फर्स्ट ईयर है आपकी। एनडीए की तैयारी कर रहे हो जी? अच्छा, कहाँ है एनडीए? एनडीए का लखनऊ में, दिल्ली में। एनडीए कहाँ पे? एकेडमी कहाँ है? एकेडमी फैजाबाद में भी है, एक न्यू खुली है सेंटर, और लखनऊ में सेंटर है। नहीं नहीं, ट्रेनिंग कहाँ होता है एनडीए का? मध्य प्रदेश। नहीं नहीं भैया, तुम ना थोड़ा सा मेजर और पढ़ाई करो। नहीं नहीं है, सेंटर खुल रहे हैं अभी, धीरे धीरे बन रहे हैं। उसको अफसर बनना है, तुम सैनिक बनवाने में लगे हो। ये धावक धावक नहीं, नहीं, हर जगह सेंटर अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं, धीरे धीरे मतलब निर्माण हो रहा है हर चीज़ों का हर जगह पे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तो ये जानकारी तो तुम्हें कहाँ से मिली? खुद से जानकारी ली। अरे एक सेकंड, कहाँ जानकारी कैसे आई तुम तक? जानकारी आस पड़ोस पड़ोस के भाई लोग हरदम मिलते जुलते रहते हैं, उन्होंने बताया कि एनडीए जो है वो सेंटर खोल रहा है। जी नहीं, हाँ मतलब अपने आप थोड़ा। अरे भाई भाई साहब, दो मिनट, बड़ी दूर से आए प्रभु। हाँ थोड़ी थोड़ी ऐसे चार लोगों से मिले माहौल में जानकारी मिलती रहती है धीरे धीरे। हाँ। बस वही सब धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा, जानकारी बचाओ। लोग भी इन लोगों की तरह भाजपा ही हो या किसी और पार्टी से? भाजपा। क्या अच्छा लगता है भाजपा? बहुत कुछ है, सब अच्छे से, सब रहन सहन, और यहाँ की जो है सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है फिलहाल। बस सिर्फ अरे बहुत सारे काम किए हैं, सिर्फ ये एक शिक्षा को लेकर थोड़ा मतलब नर्वस फील करवाते हैं बच्चों को। कैसे तरह समझो? जैसे कि हो गया, आप देखिए 2 सालों से कोरोना का माहौल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। बच्चे इसी इश्यू को लेके हमारे ऑनलाइन क्लास दे रही है, ऑनलाइन से कोई नहीं है उतना, वो कहीं नेट प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है ऐसे अगर देखा जाए तो। बताइए पी ए साहब, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन वो बात नहीं है, वो क्लासों में जो लाइव क्लासेस ली जाती हैं। अगर हम मान लीजिए, अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल कोरोना काल में, अभी छोटे बच्चे हैं, उनको वैक्सीन भी नहीं लगा हुआ है, अगर उनको कोई भी दिक्कत होगी स्कूल में या जाने से, सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है बच्चों की, तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे घर वाले लेंगे या आप जिम्मेदार लेंगे, आप खुद बताइए। आप जी नहीं, आपकी बात बहुत सही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छोड़ने में, मतलब ना बढ़िया लग रहा है, भाजपा और भाजपा के समर्थक के बीच डिबेट हो रहा है। कौन लेगा? आप लेंगे? आप लिखित रूप में दीजिए अगर किसी बच्चे की जान। क्या बता रहे थे आप खब्बू तिवारी के सर्टिफिकेट वाले मामले पे? ये सर 1991 या 92 का मामला है, वो बीएससी में थे, हमें लगता है बीएससी साकेत में। जी साकेत, यहाँ का प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज, उसमें थे। कौन कौन पढ़ता है साकेत में? पढ़ता है कोई? हाँ तो उसमें क्या कहते हैं, वो सेकेंड ईयर में मे भी फेल हो गए थे, उन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया,
उसकी वजह से वहाँ के जो समय तिवारी जो कोई प्रिंसिपल थे उन्होंने मुकदमा दर्ज करा, उसमें 4 लोग वंचित थे जिनमें से 1 लोग की मौत हो चुकी है, बाकी 3 लोग ये हैं, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताओ जी, ये तो 90 का मामला है, तुम कह रहे हो कि अभय सिंह ने करवा दिया? वही सब मिली भगत थी जो है वहाँ के प्रचार से जो है 91 में, इतना दिन बाद कैसे, आज तक क्या कर रहे थे? भाई भाई इधर आओ, क्या नाम है? अनूप सिंह। हम आखिरी में ना 30 सेकंड 1 मिनट तक पूरा नारा लगवाते हैं, अभी बात कर लें? ओके ठीक है, अनुमति है आपकी? ओके। क्या करते हो नौजवान, तुम बड़ा सावधान में खड़े हो। हम कबड्डी खेलते हैं। रेडर हो कि कैचर हो? दोनों, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। क्या हमको बहुत पसंद है, आई लाइक कबड्डी। तो तुमको योगी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है, कबड्डी ही है। पैर दिखाऊंगा। तुम वो नी कैप वगैरह नहीं पहनते हो क्या बाबू? उसके बाद भी प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ, नाम क्या बताया? अनूप सिंह। तुम्हारी इजाजत हो, अनुमति तो मैं भाई साहब थोड़ी बात कर लूं? बिल्कुल है परमिशन। बिल्कुल है। अब भैया दबंग गांव है, पूछना पड़ता है। हैं, दबंग गांव है ना? नहीं बन रहा अभी, है नहीं, अब मेकिंग में है अभी। अच्छा, गांव की दबंग मतलब जैसे कि ये जो जिला है, मतलब यहाँ जिले में अभी तक बढ़िया गांव मतलब दबंग गांव है सरारासी। कैसे पता होता? बस उसमें किराया नहीं लगता? अब पता नहीं। हां वही बस भी चलती है सरारासी की। हां बस भी चलती है। बस भी चलती है जी। जैसे किसी बस पे चढ़ जाओ, बोल दो सरारासी की तो किराया नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीगली मांगेंगे ही नहीं, मांगेंगे नहीं, मांगेंगे सम्मान में, सम्मान सम्मान में। तो सरारासी के बल पे वो चलते हैं, बस चलवाते नहीं, बस नहीं चलवा पाएंगे। अच्छा, परमिट तुम ही लोग? हम ही लोग परमिट पास करते हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? ये बताइए, जैसे जो बस यहाँ चलती है इसीलिए सम्मान पे वो हम लोग का भाड़ा नहीं लेते हैं, जो दे देता है उनका ले लेते हैं, जबरदस्ती नहीं करते किसी से। क्योंकि जैसे अभी पास के गाँव वाले उनको रुकवाए, भाड़ा नहीं देंगे, तो हम लोग के सपोर्ट के बल पर बताते भैया सराय वाले हमारे साथ हैं, कैसे नहीं देंगे आप? सेना पाल रखी है तुम? हाँ, बस ये मान के चलिए, वो सम्मान है, सेना नहीं है। एक सबका जो परोपकार होता है वो हम लोग कर रहे हैं, और बदले में तुम किराया नहीं देते? बदले में किराया नहीं, वो सम्मान में लेते ही नहीं है। मान लीजिए अभी ये 500 रुपए दे रहे हैं, 500 कहे देगा यार? 500 दे रहे हैं, उसके बाद भैया नहीं रखो रखो, उसके बाद 500 दे सकते हैं, नहीं है 500 दे सकते हैं, ढाबे पर जाएंगे और नाश्ता भी फ्री करवाएगा, इतना ज्यादा सम्मान। अच्छा अच्छा, तो बस फ्री, ढाबा फ्री, नाश्ता भी फ्री, ढाबा भी अपना ही है, सम्मान में फ्री खिला दे तो ढाबा कैसे? जब गांव वाले हैं तो उनको सम्मान में खिलाना ही पड़ेगा जी। तो बस वाले सम्मान, अरे तुमको अलग से 60 सेकंड देंगे खिलाड़ी। तो ये बताओ, सम्मान में बस फ्री, ढाबा फ्री, और क्या? वो लोग बता सकते हैं ना, हम ये लोग गांव, हमारा जो ढाबा है गांव वाले जाएंगे तो उनको फ्री में खिलाते हैं हम। तुम्हारा गुरु प्रधानी तो पक्का है? नहीं, हमको कुछ राजनीति नहीं करनी है। नहीं करनी जी? नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं उनका। तुम्हारा संबंध बहुत लग रहा है। बिल्कुल संबंध नहीं, लेकिन हम सपोर्टर हैं बाबा जी के, हमें पढ़ा चुके हैं। क्या अच्छा, बाबा जी के सपोर्टर हैं, क्या अच्छा लगता है? वही अच्छे लगते हैं, बाकी कोई बात कहाँ, बात ही अलग है। और उनका बुलडोजर, बुलडोजर सबसे ज्यादा अच्छा। कहाँ चला? अयोध्या में। अयोध्या में कहीं नहीं चला। और जहाँ पे जैसे कोई ताल कब्जा कर लिया है, गड्ढा कब्जा कर लिया है, मान लो बिल्डिंग खड़ी हो गई दबंगा एकदम पे, तो गिरेगा ही। दिमाग चलाते हैं, कहाँ चला जाता है, कहाँ नहीं चला जाता है। अब जहाँ चलता है वहीं पर घर सब पलट जाता है। और अयोध्या में नहीं चला है, अयोध्या में दिमाग सब करा रहे हैं, कहाँ सब देखिए चलता। राम पैड़ी जाइए आप, वहाँ देखिए कितना विकास हुआ है। पहले हम लोग मछली मारने जाते थे जाल लेके। हाँ, 2012 में मछली मार रहे थे, और अब जो है वहाँ पे जो है सब पूरा अयोध्या जो है नहाता, पूरा उत्तर प्रदेश नहाने आता है, स्नान करता है वहाँ पे। हाँ, क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर अमर बहादुर वर्मा। डॉक्टर अमर बहादुर, क्या करते हैं डॉक्टर साहब? सर पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं फिजिक्स। सब लोग तो भाजपा कर रहे हैं, आप सपा के समर्थक हैं? सर एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि माननीय विधायक जी का जो है प्रचार कर रहे हैं, इसलिए। कौन विधायक जी? वही पूर्व विधायक अभय सिंह। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है जी। एक बार कोई विधायक हो गया तो फिर वो अगले 20 साल तक विधायक जी ही रहता है, तो पूछना पड़ता है पूर्व विधायक की विधायक? पूर्व विधायक थे। हाँ, उनका प्रचार जी, उनका व्यक्तिगत संबंध है हमारा, इसलिए हम उनका प्रचार कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है माहौल गोसाईगंज का? सुना माहौल सर बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में सर? माननीय विधायक जी के, पूर्व विधायक जी के पक्ष में।
पूर्व विधायक जी, इस बार विधायक बनेंगे ये लोग तो मान नहीं रहे, लोग कह रहे हैं खाता में साफ आ रही है जिंदाबाद थे सर, वो कह रहे हैं कहने दीजिए जिंदाबाद रहेंगे, तुम तिवारी जिंदाबाद। अरे इधर आओ खिलाड़ी, जिंदाबाद। अबे हां हां, अरे रणजीत जी, हां बोलो बोलो। अरे पीछे से अभय सिंह बोल रहा है, ये कपूत है, राजपूत है ना, इसीलिए थोड़ा सा अंदर से जागरूक हो जाते हैं। विनोद सिंह भी हैं, वो भी बीजेपी जुड़े हैं और जीतने को फिर शिवेंद्र सिंह को क्यों बेइज्जत किए थे? वो मत बताओ। हाँ एक सेकंड, ये मामला बता दो यार हमको, क्या शिवेंद्र सिंह? अरे शिवेंद्र सिंह प्रमुख है, बता उनको बताने दीजिए। उसमें पर्सनली किसी के परिवार का मामला हो तो उसको सामाजिक रूप से नहीं लाना चाहिए। अब तो आ गया वो ला रहे, वही लाए जो क्या मामला है? अरे गलत बात तो नहीं है भाई साहब, ये देखिए देखिए, ब्राह्मण जो है वो खब्बू तिवारी का, जैसे यहाँ पे अगर सपा प्रत्याशी है यहाँ पे, जैसे वो क्या नाम है उनका, पवन पांडे, तेनारायण पांडे, उनका सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं खब्बू तिवारी का वहाँ पे, तो हम लोग हैं जैसे हमारा जो मानना है वहाँ पे, हम राजपूत हैं तो हम राजपूत का भाई अभय सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो राजपूत हैं, बस ये जानते। अगर विकास सिंह लड़ते, अगर राजपूत होते तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दो राजपूत लड़ जाएंगे तब किस पार्टी में जाओगे? तो भाजपा को जाएंगे, अगर भाजपा से राजपूत रहेगा तो राजपूत को जाएंगे, अगर सपा से राजपूत रहेगा। पहले राजपूत हो फिर भाजपा, फिर भाजपा? नहीं नहीं, भाजपा ही तो है ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा समीकरण है वहाँ पे, मतलब समझ वहाँ पे, लेकिन दोनों चक्कर अपने काम काम करेंगे, भाजपा को पूरा तरह वोट देंगे, चाहे ठाकुर हो चाहे जो हो। अभय सिंह आज तक ठाकुर का साथ नहीं दिए हैं, कभी नहीं दिए हैं आज तक जिंदगी। अखिलेश यादव मुसलमान के अलावा किसी का साथ नहीं दिए हैं, उनके बहुत प्रिय है जो है अखिलेश यादव, वही अभय के प्रिय है यादव और मुस्लिम। जैसे अभी हम लोग चले जाएंगे वैसे अभय सिंह के प्रिय नहीं वहाँ यादव मुस्लिम है, ये इतना पक्का सपोर्टर है सर। नहीं नहीं, हम ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं, पक्का सपोर्टर। ये दो विधानसभा जो है अभी सुबह सुबह 2500 रुपए लिए हैं उनसे बलवा के, अभय सिंह के पिताजी यहाँ पे आए थे फीता काटने। हाँ, आपको सपा प्रत्याशी बुलाना ही नहीं चाहिए, पैसा चाहिए है? ये थोड़ा है, ये ऐसा नहीं, ये खुल गई बात। नहीं नहीं, भाजपा के भाई सब आपको सपा प्रत्याशी नहीं बुलाना, हम जो है न्योता करना भी छोड़ दे, खाना भी ना खाए, लौटा दे पैसा, ऐसा जो है उनको आए थे लौटा सकते नहीं। यहाँ ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है जिसके तुम सब बुलाना, अरे बात तो सवाल तो सुन लो खिलाड़ी, जब रेफरी विसल मारेगा तभी तो रेड देने जाओगे, तो विसल का इंतजार करो। हम ये जानना चाह रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो तुम भाजपा के सपोर्टर हो, इनको तुम अलग कर रहे हो, ये दो लोग ईमानदारी बता दिए कि हम गुसाईगंज में बिरादरी देखेंगे और अयोध्या में भाजपा, एंटीथीसिस भी दे दी कि जो कि वहाँ बामन देख रहा है, बामन को पवन पांडे को, यहाँ खब्बू तिवारी, बामन त्रिकोणीय सवाल खेल रहा है, त्रिकोणी खेल रहा है, अयोध्या में पवन पांडे को देख रहे हैं सपा वाले को, वहाँ भाजपा देख रहे हैं, हाँ गुसाईगंज में आरती तिवारी को, और बीकापुर में उनको देख रहे हैं सुनील पाठक को, अच्छा बसपा, तो सब बिरादरी देख के बोल, बिरादरी देख के दे, ऐसा नहीं सब नहीं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, सब लोग ना, कुछ लोग 20% ब्राह्मण, हमारा फिगर बड़ा इसका। अरे हम जो डालते हैं गांव, अच्छा तुम राउंड, अच्छा ये बताओ लेकिन तुम क्रिकेट टूर्नामेंट लेके जो है पता लगाए, क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन साइकिल लेके भाजपा के बारे में, जी जी कमल खिंता है, कमल जो है साइकिल के ऊपर जो है कमल लगाए रहते हैं, नीचे साइकिल रहती है ऊपर कमल रहता है। सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार नहीं थी तब से साइकिल है, दिया तब से है, जब से साइकिल नहीं थी तब से दिया है जो है, तुम बड़े जानकार आदमी हो, भाजपा तब से जब से दिया है तब से, जब साइकिल नहीं थी तब से दिया है। कितनी उम्र लग तो बाली उम्र रही थी, 18 साल भी सही हुआ भी नहीं है, नाबालिग है, वोटर बन का आई कार्ड बन गया, अभी 2 महीना बाकी है लेकिन नहीं बन पाएगा, बहुत दुख है इसी बात का, दुख है कि एक वोट नहीं दे पाए। तुम्हारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने कौन आया था? उद्घाटन करने ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह आए थे, जो है वो बीजेपी के हैं। ये 2500 का क्या चक्कर? वो 2500 तो आज बुलाए गए थे, चले आए थे, जो अभय सिंह के पिताजी, अभय सिंह के हमारे क्षत्रिय समाज के जो है वो है, जो है संरक्षक है, वो पार्टी विशेष तब नहीं, पार्टी विशेष की वजह से नहीं है। अभय सिंह को के पिताजी को कितना धक्का लगेगा कि सब क्षत्रिय समाज के आए और क्षत्रिय समाज वोट नहीं दे रहे? अरे हम लोग भाजपा देखेंगे, पहले हमारे लिए पार्टी है, उनको भाजपा में जाना चाहिए। अच्छा नहीं आएंगे तो हम भाजपा को वोट दिया जाएगा। अच्छा तो तुम चाहते हो अभय सिंह भाजपा में? जाहिर सी बात, भाजपा में देख ही रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? आदित्यनाथ सिंह योगी राजपूत ही हैं, अच्छा। तो राजपूत देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं ना, उनके लिए उनको लाना, जी जी और क्या। पर वो तो कहते हैं कि योगी की कोई जाति नहीं होती। हाँ नहीं है जात है, सन्यासी है वो, पर अभी पैदा तो हुए हैं राजपूत खानदान में, ओबीसी तो बोला था ना कि वो राजपूत हैं,
योगी है मगर ठाकुर है। राजभर जी ये बोले थे ना खुले मन से कि वो राजपूत हैं, तो राजपूत उनकी तरफ से और संरक्षक करते हैं हमेशा जितने भी क्षत्रिय समाज के हैं। जैसे धनंजय के ऊपर कहते हैं कि बाबा जी का हाथ है, कभी बचे हुए हैं 40,000 की इनामी राशि थी, उनको क्यों नहीं दगवाए, ये भी नहीं बोला था ठीक है। अभय सिंह के उनके ऊपर क्यों नहीं आज तक कोई कार्रवाई हुई, तब हमेशा की जनरल के उनके ऊपर राजपूतों के ऊपर बाबा जी का हाथ है, ऐसा है ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन बाबा जी ऐसा नहीं करते हैं। वर्तमान विधायक जेल में ना रहे। मुन्ना बजरंगी जो है मुन्ना बजरंगी ठाकुर थे कि नहीं थे, ठाकुर थे, मरवाए गए नहीं मरवाए गए, मरवाए गए किसने मरवाया, एसटीएफ गोली मारी नहीं मारी, एसटीएफ नहीं वही एसटीएफ जेल में एसटीएफ मारी नहीं, एसटीएफ जेल में, हाँ एसटीएफ जेल में मारी, अरे उसको अंदर ठाकुर थे, वो ठाकुर थे मारे गए, एसटीएफ ने मरवा दिया। यहाँ पे मंटू सिंह मारे गए आजमगढ़ के थे, जो माफिया गिरी करेगा उनको मार। सपा वाले कहते हैं कि जो है योगी बाबा जो है सिर्फ जो है यादव को दगवा रहे हैं, पंडितों को दगवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अखिलेश जाओ पहले योगी बाबा का कर ले, तो योगी योगी के राज में, योगी के राज में जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बताओ तुमको अंदर की जानकारी है, बाद फिर जो है गाड़ी पलटेगी, गाड़ी भी पलटती है बहुत तेज योगी बाबा के राज में। हाँ ये तुमको इतना अंदर की जानकारी कैसे मिला कि एसटीएफ ने मरवा दिया? अरे हमारे मामा जी उसमें है, एसटीएफ में है। तो क्या बताए तुमको? क्या बताए तो नहीं बता सकते। आएंगे आएंगे, अरे खिलाड़ी तुम रेट डालोगे, अरे दो मिनट रुक जाओ, योगी जी आ रहे हैं, हाँ भाई आप बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं सब योगी जी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं बताइए। सर ये बुलडोजर और ये गाड़ी पलटने वाला काम टेनिक साथ क्यों नहीं हुआ, ये पूछे इन लोग से, टेनिक साथ क्यों नहीं हुआ? तो क्या जबरदस्त हम हमेशा गाड़ी पलटी गई, टेनिक क्या किए थे बताइए आप, टेनिक क्या किए थे? अरे बोलते रहे सर, इतने किसानों को मरो, तुम ओवैसी वाला टेप बजाना तैयार रहो। पांच किसानों की हत्या हुई थी, उसके लिए कम से कम पांच किसानों की हत्या हुई थी, टेनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी, वो जांच कमेटी ने भी यही बताया, उसमें जो जांच कमेटी बनी है 5,000 पन्नों का उसमें चार्जशीट लगी है, जो भी है 5,000 पन्नों की, उसमें सिद्ध हुआ है कि वो वहाँ पे मौजूद था। उसके पहले मीटिंग हुई थी भाजपा की, आज उसके पिताजी ने जो लिया था उन्होंने कहा था कि हम किसानों को सबक सिखाएंगे, तो सबक सिखाने से सीधा संबंध था कि गाड़ी चढ़ाया और गाड़ी चढ़ाई भी, तो बुलडोजर उनके घर पर भी जाना चाहिए था, तो हम मानते कि बुलडोजर सबके लिए बराबर है। जैसे ये बता रहे हैं कि ठाकुरों को मारा गया, मुन्ना बजरंगी मारे गए, अच्छा हुआ अपराधी थे, जो अपराधी हैं सब मारे जाएं तो क्या वो अपराधी नहीं है, टेनी का लड़का? तो वो केस अभी बंद नहीं हुआ है ना भैया जी, वो केस अभी बंद नहीं हुआ है, जब विकास हो जाएगा, विकास दुबे केस सिद्ध हो गया था, कहाँ सिद्ध हुआ था, कितने लोग को मारे, कितने पुलिस वालों को मारे थे? अरे टेनी का लड़का पुलिस वालों को नहीं, पहले बात तो सुनिए, पहले अभी केस सिद्ध हो जाएगा तो कोई भी हो, टेनी हो या जो भी है, सबको सजा दिया जाएगा। तो सजा कैसे दी जाएगी जब केस सिद्ध हो जाएगा? अभी सिद्ध नहीं। अच्छा सर आप ही बताइए, तुम गुरु बहुत उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे कोई ऐसे घर में आता है अपने तो बदमाशी नहीं करता। विकास दुबे वाले में से सिद्ध कहाँ हुआ कि जो है योगी बाबा ने मरवा दिया? वो तो गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी पलट गई। टेनी के लिए जो बात कर रहे हैं, टेनी के लिए पूरा खालिस्तान की मांग करने के लिए इतने लोग पब्लिक कहाँ कहाँ से आ गए। खालिस्तान क्या होता है? अरे सिख के लिए अलग से एक बना रहे हैं पंजाब में। कहाँ बना रहे हैं? अरे जो पंजाब को बोल रहे हैं खालिस्तान के लिए, मांग के लिए अंदर से इंटरनल बना रहे हैं, वहाँ से आ गए एक चन्नी देखने के लिए, और यहाँ पे इनको सबसे वही थे खास, वही थे टेनी मरवाए थे। कहाँ प्रूफ है इनके पास? कहाँ से प्रूफ है इनका? जितने किसान थे क्या वो सही प्योर किसान थे? सर्टिफिकेट लेके टहल रहे थे कि हम किसान हैं? हमारे भैया किसान जो रहते हैं वो किसान आके खेती करता है, ना कि जाके कहीं आंदोलन करने जाते हैं। किसान आंदोलन नहीं करता, नहीं करेगा, लेकिन इतना दिन तक नहीं करेगा कि छह छह महीने, एक दिन दो दिन पांच दिन सात दिन दस दिन, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद कोई किसान अपना खेत छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों सर? हमारे गाँव में हर घर में किसान है, कोई भी आज तक कहीं भी नहीं गया है धरना देने के लिए। जाएगा दो दिन के लिए जाएगा, दस दिन के लिए जाएगा, अब 50 दिन एक एक छह छह महीने बैठे। बताइए क्या कह रहे हैं ये हमारे भैया? योगी बाबा कहाँ हैं? हमारे जान है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह। अच्छा दिग्विजय जी, हमको बस एक गुत्थी बता दीजिए आखिरी। यहाँ कई लोग बोले कि साहब बड़ा धर्म संकट है, हम छत्री देखें, अभय सिंह देखें या भाजपा देखें? अभय सिंह छत्री है, और छत्री के लिए उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। सूर्यवंशी है, और हमारे 14 में वही एक सूर्यवंशी है जो विधायक पूर्व थे, और हम यही उम्मीद करते हैं इस बार भी वो बने। खब्बू तिवारी जी से हमारा कोई उम्मीद नहीं है,
क्योंकि वो ब्राह्मण वाद करते हैं। कपू तिवारी की पत्नी तो भाजपा से लड़ रही है और अभय सिंह सपा से लड़ रहे हैं जी, लेकिन सपा से हमें कोई विरोध नहीं है। हाँ। वो अपनी जगह है, हमें सूर्यवंशी से मतलब है। सूर्यवंशी और मुख्यमंत्री कौन बने? योगी जी। तो जब सपा जीतेगी तो योगी जी कैसे बनेंगे? एक सीट से कोई मतलब नहीं होता है जी, जैसे सूर्यवंशी तो पूरा वैसे भाजपाई हो लेकिन यहाँ क्षत्रिय हो जी। अब हमारी एक बात सुन लीजिए आप, बताओ वैसे तुम बड़ी वैसी बोले कि अखिलेश तुम उत्तर प्रदेश के नहीं हो, तुम अपने बाप के नहीं हो तो उत्तर प्रदेश क्या होगी? कोई गलत बोले? वैसे ही बोले कि तुम अखिलेश अपने बाप के नहीं हो तो उत्तर प्रदेश क्या होगे? योगी बाबा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन वोट तुम सपा वाले को दोगे? वोट बीजेपी को रहेगा। अभी तुम बोले अभय सिंह को दोगे? अभय सिंह हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं हमेशा गोसाईगंज विधानसभा को यही कहूंगा, यहाँ वोट दे नहीं सकते गोसाईगंज। बीजेपी जो अयोध्या विधानसभा वाले हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी बिल्कुल। और मैं यही सपोर्ट करता हूँ कि जितना भी योगी विधानसभा में है, गोसाईगंज विधानसभा में जितने हैं वो हमारे अभय सिंह भाई को। अच्छा जी, चलिए ये देखिए, ये बिरादरी का जाम योगी जी का नाम है गाजीपुर सादात जिला से। क्या नाम? प्यारेलाल गुप्ता, मैं गाजीपुर जिला के रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का धंधा है, वहाँ भी सरकार निकल रही। आप क्रिकेट खेलने आए? नहीं नहीं, ऐसे हम जा रहे थे, आप लोग के देखे उसके बाद रुक गए। चलिए, ये बड़ा दिलचस्प ज्यामिति है, अवध ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, पार्टी की प्रतिबद्धता और जाति की प्रतिबद्धता। आप ललन टॉप देखते रहिए, हम इसीलिए गोसाईगंज आए हैं क्योंकि हमें ये सारी राजनीतिक ज्यामिति समझनी थी। कब्बू तिवारी की पत्नी वर्सेस अभय सिंह, अयोध्या रामलला के मामले का कितना इम्पैक्ट है, अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। 100% बेटर, हमें बेटर चुनना है ना, बेस्ट तो कोई है नहीं। बेस्ट कोई नहीं है, बेस्ट कोई नहीं, लेकिन बेटर चुनना है ना अभिषेक सिंह। बेटर कौन है? बेटर हमारे हिसाब से बीजेपी ही है। लेकिन ये भाई साहब सूर्यवंशी वाला बता रहे हैं। वो सब अलग बात है, लेकिन अगर हम सियासी खेल का देखें तो फिर हम बेटर चुनेंगे, बेस्ट तो कोई हो नहीं सकता है। पहली बात, हर क्षेत्र में हर चीज कोई कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट एक यूटोपिया है, इस वाक्य को कहीं कहीं लिखवा देना चाहिए। ये तो कह रहे हैं बेटर है, बेटर भी वही है, बेस्ट भी वही है। क्या बात, बेटर भी वही है, बेटर बेस्ट सब वही है, सब इनके हिसाब से, इनके हिसाब से बिल्कुल, हमारे हिसाब से भी वही है, परफेक्ट भी वही है, बेस्ट भी वही है। योगी कुछ वही पहलू होते हैं। हाँ, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू कोई भी नहीं है, ये दोनों, दूसरा पहला भी वही है, दूसरा भी वही है। लग रहा है कि वो सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। चलिए, आप देख रहे हैं ललन टॉप, एक ही है ब्रह्मांड में, ब्रह्मा एक ही है। कौन? मोदी जी और शंकर योगी जी। मोदी जी ब्रह्मा है, शंकर मोदी जी। अच्छा, और विष्णु कौन है? विष्णु हम है। अमित शाह? आप हो कि अमित शाह? अमित शाह हम है तो अमित शाह है, आप हो तो, क्योंकि हम भी साफ है, वो भी साफ है। अच्छा जी, तो शाह को आप साफ कर दिए? बिल्कुल, हमारे भाई है तो साफ हम भी है, वो भी है। अच्छा, ये बाल नहीं है वो वाला मतलब, अगर बुरा ना माने तो? अरे बुरा क्यों मानेंगे, राम बिल्कुल, राम राम जी का अंग वस्त्र, राम की नगरी में, राम जी का अंग वस्त्र पहनने में बहुत क्यों बुरा माने। अब से आप देख रहे हैं ललन टॉप, अब मैं उदयमान क्रिकेट खिलाड़ियों और आयोजकों के साथ, जो सपा का हो या भाजपा का, हर पार्टी से चंदा लेते हैं, ऐसे लेते चंदा तो लेते हैं। अरे वो 2500 दे गए भाई, आज अभी अभी के पता जी दे गए, उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। अरे पट्टीदार, हमारे घर के पट्टीदारी, वो पैसा सर मांगा नहीं गया, वो अपने अपने मन से उन्होंने यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, ये मैदान कितने दिन में तैयार हुआ तुम्हारा? यार बड़ा एक बड़ा अद्भुत स्टेडियम बनाया, इसका कोई नाम भी रखा है? सर नहीं, ये धीरज सिंह के ऊपर ये नाम रखा। एक क्रिकेटर थे हमारे भैया, भाई थे, उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के नाम पे ये 2 साल से कराया जा रहा है क्रिकेट। हाँ, निर्भय सिंह के बड़े भाई थे वो, निर्भय सिंह के बड़े, जिले के सबसे फेमस खिलाड़ी थे, जिले के फेमस खिलाड़ी जी। और तुम धावक हो जी, आप भी बढ़िया खेलते हैं सर। हाँ, क्रिकेट तो आप भी खेलते हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप, सिलसिला चलता रहेगा।